सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी गुरु बहुत ही फ्रेश कमाल शानदार एपिसोड में। और यहां पर दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, बिकॉज हमारे पास में है ये बहुत ही शानदार सा वन प्लस नाइन प्रो स्मार्टफोन। और यहां पर दोस्तों आज आप इस वीडियो से अगर कभी लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से किसी एक लकी व्यूअर को मिलने वाला है एक नया ब्रांड न्यू वन प्लस नाइन प्रो स्मार्टफोन। और यहां पर दोस्तों आज हम उठाने वाले हैं मजा 5G का, दुबई में घूम घूम के उसमें देखेंगे कि आखिर 5G की क्या स्पीड्स मिलती हैं, कैसी होती है एग्जैक्ट रियल लाइफ 5G के साथ में। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यार 5G को हम यूज करें उससे पहले सबसे पहले जो चीज ना बहुत ही एक काइंड ऑफ मैंडेटरी जाती है 5G दुनिया में, वो है स्पीड टेस्ट। तो यहां पर दोस्तों खैर अभी दुबई में जो 5G कवरेज है वो बहुत अच्छी है, मैंने अपने फोन में 5G का सिम लगा लिया है और फिलहाल दोस्तों मुझे मिल रहा है फुल सिग्नल अपने घर में बैठे हुए। तो जल्दी से एक बार स्पीड टेस्ट को रन करते देते हैं एग्जैक्टली कि 5G में जो स्पीड है वो हमें कितनी तेज मिलने वाली है। तो यहां पर दोस्तों जाता हूं सीधा स्पीड टेस्ट ऐप पे, करते हैं गो और देखते हैं कि स्पीड्स क्या मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे क्या बात है यार, 500, 600, 700, 770, 780, 800, 820, 830, 840, मतलब ये एग्जैक्टली मैं लास्ट को देख ही पा रहा हूँ, बट 845 MBPS की डाउनलोड स्पीड्स मिली है। और जो अपलोड है दोस्तों वो है 61, 62, 63, 64। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है भाई, ये वीडियो में शुरुआत में देख लिया कि फिलहाल मैं अपने घर में बैठा हूँ और यहाँ पे ऑलमोस्ट 850 MBPS की दोस्तों डाउनलोड स्पीड्स हैं। अगर तो आप इमेजिन करो कि कितना ज्यादा मजा आने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट्स आ चुके हैं आपके सामने, 846 MBPS डाउनलोड, 47.4 MBPS अपलोड वन प्लस नाइन प्रो स्मार्टफोन के साथ में, मतलब स्पीड का मजा पूरा मिलने वाला है 5G का। जल्दी से बाहर चलते देखते हैं एग्जैक्टली 5G को यूज करके हम कैसे कैसे हमारे एक्सपीरियंस को और एलिवेट कर सकते हैं। दोस्तों यार अंदर जो 5G का हमने स्पीड टेस्ट किया, तो स्पीड के चलते मेरे अंदर भी थोड़ी देर स्पीड की ज्यादा ही जो है वो इच्छा जाग गई। तो मैं जाने वाला हूँ अपनी फास्टेस्ट कार में सीधा चेक करने के लिए आखिर जो फास्टेस्ट मजा आने वाला है 5G का वो कैसे मिलता है इसी फोन के साथ में। और आई मीन मैं दो तीन एक्टिविटीज सोची है, बहुत अच्छा होने वाला है, चलो आ जाओ देखते हैं। दोस्तों 5G का जो सीन है ना वो, हालांकि मैंने अपनी वीडियोस में कवर भी किया है कि इंडिया में करंटली जो सीन है कि 5G ट्रायल्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। और मजे की बात ये है कि जो 5G ट्रायल्स जो शुरू हुए ना वो हमको बताते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ कौन सी फ्रीक्वेंसीज में हम 5G को देख पाएंगे इंडिया में। तो बेसिकली दोस्तों एक तो होता है सब गीगाहर्ट्ज, जो कि 1 GHz से कम फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं। बट उसमें क्या हुआ कि 5G के अंदर अगर हम बात करें बेस्ट केस की भी, तो भी 200-300 MBPS से ऊपर हमको स्पीड नहीं मिलती है। फिर दोस्तों एक होता है एक्सट्रीम, जिसको हम बात करते हैं मिलीमीटर वेव 5G की। अब उसमें दिक्कत क्या है कि यार स्पीड तो मिलती है लेकिन जो कवरेज है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाती है। जहां पर दोस्तों बहुत एक अच्छी चीज हमारे लिए बीच में निकल के आती है वो है मिड बैंड 5G। तो यहाँ पे इंडिया में दोस्तों फिलहाल के लिए अभी जो हम बात कर रहे हैं वो 3.3 से 3.6 GHz के बीच में जो मिड बैंड 5G आता है उसमें ट्रायल शुरू हुए हैं। और मजे की बात ये कि दोस्तों जो वन प्लस 9 प्रो मेरे पास फिलहाल फोन है, इसमें जो N78 बैंड का यूज किया है वन प्लस ने, तो N78 बैंड जो है वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा कॉमन, सबसे ज्यादा पॉपुलर बैंड है 5G पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल जैसे मैं दोस्तों दुबई में यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस फोन में फर्स्ट क्लास 5G चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो आप इसको इंडिया से बाहर तो अगर यूज करेंगे, बिकॉज N78 बैंड बहुत कॉमनली अवेलेबल है। जब एयरटेल या जियो या वोडाफोन वगैरह से 5G लेके आएंगे तो वो जब N78 बैंड को यूज करते हैं दोस्तों मिड बैंड 5G को प्रोवाइड करेंगे ना, तो अच्छी बात क्या है कि हमको मिलेगी एक तो सबसे पहले बेहतरीन स्पीड और दूसरी बात बेहतरीन कवरेज। दोस्तों मुझे लगा कि यार क्यों ना हम एक और यूज केस देखें 5G का। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जाने वाला हूँ सीधा का सीधा फिलहाल प्ले स्टोर पे, डाउनलोड करने वाला हूँ PUBG को, बिकॉज दुबई में PUBG अवेलेबल है। तो यहाँ पर दोस्तों हम जाते हैं सीधा प्ले स्टोर पे, 677 MB का एक गेम है, मैं करता हूँ सीधा इंस्टॉल पे क्लिक और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। दोस्तों ये सीधा भी शुरू होने वाला है, पेंडिंग दिखा रहा है 9%, 10% और 17%, 19%,
ये देखते हैं बात करते करते जो है वो कितना तेजी से हम सीधा इंस्टॉल कर पाते हैं एक 600 MB के पबजी को सीधा गूगल प्ले स्टोर से। 31% 35% हो गया है, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 61, 64, बहुत ज़्यादा दोस्तों तेज़ी से यहाँ पे हम कर पा रहे हैं सीधा इंस्टॉल। 71% हो गया है, 75 आई थिंक डाउनलोडिंग में जो है वो टाइम कम लगेगा और गेम के इंस्टॉलेशन में टाइम ज़्यादा लगेगा। 85% हो गया है, 90 और 94, 98 इंस्टॉलिंग। ये जो स्पीड है 5G की, ये हमको बता देगा एग्जैक्टली ट्रू पोटेंशियल क्या है। एक दो चीज़ हम और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि एग्जैक्टली और हम क्या क्या कर सकते हैं 5G के साथ में, बिकॉज जब ये 5G आप यूज़ करेंगे ना तो सोचो आप क्या क्या कैसे कैसे डेटा को यूज़ करेंगे अपने फ़ोन में और कितना तेज़ी से अपने आप सभी काम कंप्लीट कर पाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको अभी जो दिखाने वाला हूँ यूज़ के सिनेरियो 5G का, वो इतना ज़्यादा अच्छा होने वाला है, मतलब इतना प्रैक्टिकल भी, बिकॉज आज के टाइम पे ना हम सभी इसको यूज़ करते हैं। चाहे हम दोस्तों ऑनलाइन अपने फेवरेट शोज़ देखें या कुछ भी करें, तो मतलब उसमें हमको लगता है कि यार हम सभी एपिसोड्स को डाउनलोड कर लें और बाद में जब हमको मौका मिलेगा तब हम देख लेंगे। कभी मान लो कि आप एक फ़्लाइट कैच कर रहे हो, बस आपको 2 मिनट मिल रहे हैं, 2 मिनट के बाद में आपकी फ़्लाइट में आपको बैठना ही पड़ेगा और आपके पास में 2 मिनट का मौका है कि आप अपने उन शोज़ को डाउनलोड कर लो। तो मैं दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ, मैं जाता हूँ सीधा यहाँ पे और मैं खोलता हूँ Amazon Prime पे द फैमिली मैन, और यहाँ पे इसका पूरा जो season 2 है मैं देखता हूँ कि ये मैं कितनी जल्दी डाउनलोड कर पाता हूँ। मैं दबाता हूँ डाउनलोड season 2 शुरू और देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पे कितना जल्दी होता है। episode 1 हो रहा है, हो गया। episode 2 हो गया, episode 3 हो गया, 4 ये देख रहे हो बात करते करते कि इमेजिन करो कि आपकी फ्लाइट पे अदर आ रहा है, फाइनल कॉल चल रहा है कि बस आपको फ्लाइट पे बैठना है, और यहाँ पे हम episode 5 डाउनलोड कर चुके हैं, episode 6 भी हो गया है, episode 7 भी हो गया है, episode 8 भी हो गया है, episode 9 हो गया है फाइनल, और बोनस जो है वो भी हो गया है। फैमिली मैन हैज़ बीन डाउनलोडेड, डाउनलोडिंग इज़ कम्प्लीट। बात करते करते ये मज़ा है 5G का, और जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यार 5G को, आप बस एक बार सोचो कि जब आपके हाथों में इतनी पावर आ जाएगी तो आप उससे क्या क्या चीज़ें कर पाएंगे। अब दोस्तों एक और चीज़ जो मतलब 5G के साथ में जिसको हम एंजॉय करेंगे ना, वो है कि मतलब आप अगर YouTube पे देखते हैं वीडियोस वगैरह, तो मतलब 4K या 8K वीडियोस आप एकदम बड़े आराम से बिना किसी बफरिंग के देख पाएंगे। तो एक बार वही चेक करता हूँ, मैं सीधा खोलता हूँ YouTube ऐप और मैं यहाँ पे जाता हूँ 8K वीडियो लेट से, और कोई अगर ये वीडियो है जो 4K या 8K है। TikTok काट दिया रहा, वरना मैं अभी एक ब्लॉक कर रहा हूँ। क्वालिटी दोस्तों मैंने 4K कर ली है, और क्या बात है, हम इसको बिना किसी बफरिंग में दोस्तों सीधा 4K में देख पा रहे हैं। आप क्वालिटी आपके सामने है 2160p, और एक 4K वीडियो यहाँ पे चल रहा है बिना किसी बफरिंग के चल रहा है यार। तो ऑन द गो अगेन, जैसा आपकी अगर फ्लाइट छूटने से पहले आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे फेवरेट एपिसोड्स को। वैसे आप बताओ कि आपके लिए आपका बेस्ट यूज़ केस क्या होगा, अगर आपको 5G मिले तो आप सबसे ज़्यादा 5G को कहाँ यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों देखा आपने कि कैसे हमने 5G को यूज़ किया इसी फ़ोन के साथ में, और बहुत ज़्यादा हमने अलग अलग एग्जांपल्स देख लिए। फिर चाहे गेम डाउनलोड करना हो, चाहे हम देख रहे थे HD 4K वीडियोस को, या फिर दोस्तों साथ में हमने किया सीधा एपिसोड डाउनलोड फैमिली मैन के सारे वो भी एक ही क्लिक में। तो ये जो पूरा मज़ा है ना 5G का यार, ये जब हम प्रैक्टिकली यूज़ करते तो हम एक्सपीरियंस कर पाते कि इतना तेज़ जो इंटरनेट मिलता है, मतलब 700, 800, 900, 1 GBPS फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो स्पीड्स हैं उससे हम एक्चुअल में रियल लाइफ में कैसे पूरा फायदा उठा सकते हैं। और बाय द वे दोस्तों फायदा आपको मिल सकता है, ये जो ब्रांड न्यू OnePlus 9 Pro स्मार्टफोन है ये आप में से किसी एक लकी व्यूअर को मिल सकता है। आप बस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां पे जाके पार्टिसिपेट कर लीजिए। तो देखते हैं किसके पास में पहुंचता है ये फोन। उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपका कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
रखिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।